अच्छा डेली शाम होते ही कि आपके बच्चों का भी कुछ टेस्टी और चटपटा सा खाने का मन करने लगता है और डेली डेली बाहर का देना भी ठीक नहीं है तो आप एक ऑप्शन ना ये कंसीडर कर सकते हैं करना क्या है कि बोल में लेंगे बारीक कटा हुआ प्याज साथ में बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च और थोड़ा सा मैंने बारीक कट करके पनीर भी डाला है यहाँ पे उसके बाद रेगुलर जो हमारी हरे धनी और पुदीने की चटनी होती है वो दो चम्मच भर के मैंने यहाँ पर डाली है साथ में थोड़ा सा चाट मसाला नमक और उसी के साथ में मैंने दो चम्मच म्योनीस डाल दिया बाइंडिंग के लिए सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और एक कमाल की फिलिंग बन के रेडी हो जाती है उसके बाद रेगुलर बर्गर बन लिया है मैंने यहाँ पे बीच में से इस तरीके से कट करेंगे और उसके बाद सबसे पहले लगाएंगे हम बहुत अच्छी क्वांटिटी में बटर देखिए बटर लगाने से टेस्ट तो बढ़ ही जाएगा साथ ही साथ क्या होता है ना कि फिलिंग में अगर कोई मॉइस्चर होता है तो बन के अंदर नहीं जाता है तो सौगी नहीं बनता है उससे तो इसलिए बटर बहुत अच्छी क्वान्टिटी में लगाएंगे दोनों साइड में फिर यहाँ पे फिर से हमारी वो हरे धनी और पुदीने वाली चटनी बनाएंगे क्योंकि जो एक्चुअल फ्लेवर है वो इसी का ही आने वाला है बहुत अच्छी क्वान्टी में ये लगाएंगे और उसके बाद मैंने फिलिंग डाली है कोई एक्स्ट्रा तीखा हमने ऐड नहीं किया है जो भी तीखा होना है में ऊपर से ना चीज डाली है मैंने यहाँ पे टेस्ट भी बहुत अच्छा करती है और बन को भी एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर देती है उसके बाद इस तरीके से कवर करेंगे और फिर दोनों साइड में बहुत अच्छी क्वांटिटी में फिर से लगाएंगे बटर और आप चाहें तो इसको ग्रिल कर सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे तवे पर सेका है आप बेक करना चाहते हैं अवन में तो बेक भी कर सकते हैं बहुत अच्छा फ्लेवर आता है बहुत टेस्टी बनता है बच्चों को स्पेशली बहुत पसंद आया कोई हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा बाहर की चीज़ यूज़ नहीं करी है बहुत अच्छा लगेगा आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा इस तरीके से सेकेंगे और ये देखिए मैं आपको बीच में से कट करके दिखाती हूँ ये देखिए आप बहुत अच्छे से फिलिंग इसमें सेट हो जाती है चीज़ की वजह से ये देखिए बहुत टेस्टी बनता है ज़रूर से बनाइएगा कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर